बांदा से मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। मेडिकल जांचों में दुरुस्त पाया गया माफिया मुख्तार अंसारी। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से जेल शिफ्ट कर दिया गया है। बांदा से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज से जेल शिफ्ट किया गया। मेडिकल जांचों में दुरुस्त पाया गया है माफिया मुख्तार अंसारी। ये अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं बांदा से, और वापस से जेल शिफ्ट कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को, क्योंकि मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था तबीयत नासाज होने पर। और अब यह अपडेट मिल रहा है मेडिकल बुलेटिन में जो जारी हुआ है कि फिलहाल माफिया मुख्तार अंसारी दुरुस्त है, जिसके बाद वापस से जेल शिफ्ट कर दिया गया है। ऋषभ मड़ी हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ऋषभ, बताया जा रहा है कि अब जो तबीयत है मुख्तार अंसारी की वो ठीक है, इसके बाद वापस से जेल शिफ्ट कर दिया गया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल नलिनी, देखिए इस वक्त माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत को दुरुस्त पाया गया है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज से उनको जेल शिफ्टिंग का आदेश हो गया है। हम इस वक्त उसी काफिले में हैं, हमारे आगे ही वो एम्बुलेंस जा रही है जिसमें मुख्तार अंसारी मौजूद है। और जैसा बताया गया था कि जो तमाम मेडिकल जांचें हुई थी पेट में दर्ज शिकायत के बाद, उसके बाद मुख्तार अंसारी इसमें पूरी तरह से फिट पाए गए हैं, और कुछ घंटे मेडिकल कॉलेज में रहने के बाद उनका तमाम तरह से ऑब्जर्वेशन किया गया है और उनको फिट पाया गया है। जो वाइटल्स थे वो उनके दुरुस्त पाए गए हैं, जिसके बाद मुख्तार अंसारी को अब मेडिकल कॉलेज से जेल के लिए रवाना कर दिया है। देखिए मुख्तार अंसारी की मेडिकल जो एम्बुलेंस है वो आगे चल रही है, उसके पीछे पुलिस की तमाम जीपे हैं, एडिशनल एसपी जो कई थानेदार इस काफिले में शामिल हैं, और जो एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उससे लैस एक एम्बुलेंस है जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी को लाया गया। हमने खुद देखा मुख्तार हालांकि शरीर से कमजोर दिखाई दे रहा था, उसके सिर से बाल नहीं थे, सिर के बाल शेव करा रखे थे, और दिन भर उसका ट्रीटमेंट चला है। पेट में दर्द की शिकायत मुख्तार अंसारी ने बताई थी, और ये भी शिकायत थी कि कल रात को वो वॉशरूम में गिर गया है, जिसके बाद एक्सरे किया गया था लेकिन कोई भी फ्रैक्चर नहीं मिला है, और जो तमाम टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट भी किए गए लेकिन किसी भी टेस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं निकला कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक है। आप लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।